हेलो गाइज एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। हमारे बेबी प्लांट 1 साल पुराने हैं लगभग, और ये देसी प्लांट हैं जो हमने सीड से ग्रो किए थे, और ये इसके अंदर फ्लावरिंग भी हुई थी, लेकिन इस पे हम ग्राफ्टिंग करेंगे। जो सिंगल फूल होता है वो इस पर आता है, और ये देसी वाले हैं तो जो सिंगल फूल की वजह से इनके ऊपर हमने डबल जो फ्लावर के ओबेसम फ्लावर होता है उसकी हम इनके ऊपर ग्राफ्ट करेंगे। तो ये हमने 4 प्लांट छाटे हैं, और इन 4 प्लांटों पर हम 4 कलर के ग्राफ्टिंग करेंगे, और एक तो हम टैबलेट ग्राफ्टिंग करेंगे और बाकी के हम वी ग्राफ्टिंग करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या करना है इनके लिए, किस तरीके से हम शुरू करेंगे और क्या क्या सामान इसके लिए चाहिए होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जो छुरी है ये, और लाइटर, और उसके बाद में ये ग्राफ्टिंग टेप है, और ये पोलोथीन। तो ये इतनी चीज़ें इसके लिए चाहिए होती हैं, और इससे ही ये ग्राफ्ट की जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना जो छुरी है इसको सैनिटाइज कर लेंगे, इसको अच्छी तरीके से सैनिटाइज कर लें। आपके पास अगर हाइड्रोजन प्रोपसाइट है तो उससे भी कर सकते हैं, और हम तो ज़्यादातर आजकल मेरे पास ख़त्म हो रही है, तो हम ज़्यादातर इसी से छुरी से ही गर्म करके और इससे सैनिटाइज कर लेते हैं। इसके ऊपर हम टेबलेट ग्राफ्टिंग करेंगे। अब हम इसको यहाँ से देखते हैं कहाँ पर सही रहेगा, क्योंकि हमारी जो ब्रांच है वो ये हमने निकाली है, और इस साइज की हमने ग्राफ्ट करनी है, तो यहां से ले लेते हैं इसको। ये यहां से ले लीजिए, और इसको भी थोड़ा सा काटते हैं। इसका पानी थोड़ा सुखाना पड़ता है ये, और इसके ऊपर रख के देख लें तो ये जो पानी निकल रहा है, इसको आप किसी कपड़े से या रुई से या आपके पास जो भी चीज़ हो उससे इस तरीके से सुखा लें, और उसके ऊपर इसको रख दें। और ये जो बीज का हिस्सा है ये, और इसका बीज का हिस्सा, ये दोनों मिल जाने चाहिए आप उसमें इस तरीके से, ये इस तरीके से मिल जाना चाहिए। अब क्या काम करना है, ये आप क्विक फिक्स लीजिए और इसको कसके दाबना है, इसको कसके दाबना है अच्छी तरीके से, इसको दाब के और इसके ऊपर क्विक फिक्स लगा दीजिए। ये दरअसल नया आदमी जो है वो इसको ठीक से दाब के कसके दाब नहीं पाते हैं, इसलिए फेल हो जाती है, लेकिन ये काफी कसा हुआ चाहिए। चारों तरफ से अच्छी तरीके से इसको लगा दें कोई फिक्स को, थोड़ी देर इसको पकड़े रहें और फिर आप इसको छोड़ देंगे तो आपकी ये अच्छी तरीके से इसमें सेट हो जाएगी, और फिर ऊपर से इसके टेप बांधना है। ये सेट हो गई है, अब लीजिए आप ये टेप और इसको इस तरीके से पहना दीजिए, कसके नीचे की तरफ खींचे, और खींचने के बाद में इसको इस तरीके से बांध दें। तो इस तरीके से टेबलेट ग्राफ्टिंग आप करेंगे तो आपकी भी सक्सेसफुल हो जाएगी, और अगर कोई फिक्स नहीं लगाएंगे तो वो क्या, ये जो खिंचाव है ये कम ज़्यादा हो जाता है, अगर ढीला रह गया ज़रा सा भी तो आपकी ग्राफ्टिंग जो है वो फेल हो जाएगी, और टाइट कस गया
तो वो ग्राफ्टिंग जो है वो पकड़ लेती है। उन लोगों की प्रैक्टिस होती है, वो एक उनको पता है कि कितना मुझे दाबना है, उस हिसाब से वो एकदम से कस के और उसको कर देते हैं, फटाफट वो करते हैं, सैकड़ा के हिसाब से रोजाना कर डालते हैं। तो हम आप लोगों को बहुत आसान तरीका बताया है कि इसको अच्छी तरीके से दबा के और क्विक फिक्स इसके चारों तरफ लगा देंगे ताकि ये सेट हो जाएगी वहीं पर, और उसके बाद में आप ऊपर से टेप लगाएंगे तो आपकी जो ग्राफ्टिंग है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। अब इसके ऊपर भी पोलोथीन को ढक लें। और एक तरीका यह भी है कि वो इसके ऊपर जो हम ग्राफ करेंगे वो दो ब्रांचे करेंगे, तो हम थोड़ा सा चौड़ा हिस्सा लेंगे इसका जिसमें दो ब्रांचे आसानी से ग्राफ्ट हो जाएं। तो ये देखिए इतना चौड़ा हिस्सा मैंने इसका लिया है, और इन ब्रांचों को जो आप काट रहे हैं इनको आप ग्रो भी कर सकते हैं, और इनको आप सुखा लें 3-4 दिन के लिए, और उसके बाद में आप किसी कोकोपीट वगैरह में इसको लगा के और रख दीजिए, और बहुत जल्दी ये ग्रो भी हो जाते हैं। तो इसको भी क्या काम करना है, तो इसका पहले जो ऊपर का पानी है ये भी सुखा लें, और फिर इसकी भी वी बनाते हैं। ऐसे ही, और ये दो ब्रांचें हमने इस पे ग्राफ्ट करनी है, तो इन दोनों की पहले तो नीचे से आप काट लें अच्छी तरीके से, और फिर इसकी वी बना लें। और इस पे ऐसे करके रख दें साइड में, और इसकी भी बना लेते हैं। और ये इस साइड में रख देंगे। तो इस तरीके से दो ग्राफ्ट आप एक ही ब्रांच में लगा दें। ये नीचे के हिस्से से इसको कसा जाता है अच्छी तरीके से, बिल्कुल इसके अंदर हवा नहीं जानी चाहिए। और ऊपर के हिस्से में हल्का सा आप फंगीसाइड भी लगा सकते हैं कटे हुए हिस्से पर। और इसको भी पॉलीथीन से ढक के अच्छी तरीके से बांध दें, हम दोनों को एक साथ बांध देंगे, और जब तक इस पर भी हम करते हैं ग्राफ्ट।
अब इन दोनों पर पॉलिथीन से इसको ढक देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों मेरी चारों ग्राफ्टेड प्लांट हो चुके हैं और उनको मैंने अच्छी तरीके से ग्राफ्ट कर दिया है। आप लोगों को बहुत आसान तरीके से ग्राफ्ट करने का तरीका बताया है और कि टेम्पलेट ग्राफ्टिंग जो है वो किस तरीके से सक्सेसफुल हो जाएगी, आप भी कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप करेंगे, कोई फिक्स से चिपका के अच्छी तरीके से दबा के आप अगर करेंगे, तो आपकी 100% ग्राफ्ट जो है वो कामयाब होगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।